अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मेरे लेटेस्ट और न्यू वीडियोस देखने हैं तो प्रेस बेल आइकन। सैमसंग भारत की सबसे पुरानी कंपनी है और अपने ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्च करती आ रही है और अपने ग्राहकों खुद की आकर्षित करके रखती है। सैमसंग ही एकमात्र ऐसी कंपनी से जिसने बहुत कम समय में भारत को एक से एक टेक्नोलॉजी वाले फोन अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाए हैं। ऑन अच्छे फोन मार्केट में आने का वादा ग्राहकों दिलाती रही है, तो इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से कंपनी तैयार है अपना एक फोन मार्केट लाने के लिए। यह फोन जे सीरीज में से ही लॉन्च होगा जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस है। यह वाला फोन बाकी की जे सीरीज से काफी अलग बताया जा रहा है। इस स्मार्टफोन में 5.9 इंच की फुल व्यू HD प्लस डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजुलेशन 720x1480 पिक्सल दिया गया है। इस सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 8.0 दिया गया है तथा 450 का स्नैपड्रैगन दिया गया है जो इसकी स्पीड को काफी बढ़ा देता है, और इसका कैमरा भी काफी अलग दिया गया है। इस सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस में 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा तथा फ्रंट के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में बैटरी की बात की जाए तो इसमें 4350 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, लगभग 2 सेकंड 3 दिन यूज कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन 2 वेरियंट में लॉन्च हो रहा है, 4GB रैम तथा 64GB इंटरनल स्टोरेज, और 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज में मिल रहा है।